दोस्तों, अभी तक विज्ञान और मेडिकल साइंस ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन हमारी इस दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को उन्हीं ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो अभी भी हैं अनसुलझे, जिनको सुलझाने की कोशिश तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन उन रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनसुलझे इन रहस्यों के बारे में। 6 इंच का नर कंकाल। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने महज 6 इंच के कंकाल को खोज लिया था। यह काफी हैरान करने वाली बात है, इतना छोटा कंकाल कैसे हो सकता है, लेकिन यह हकीकत है। यह अब तक रहस्य बना हुआ था कि आखिर इतना छोटा कंकाल है किसका, क्या यह किसी इंसान का है या फिर किसी एलियन का। जब इस कंकाल की खोज हुई तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह कंकाल किसी एलियन का हो सकता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस कुलथी को सुलझा लिया है। अब यह राज खुल चुका है जिससे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दरअसल इस कंकाल को 2003 में चिली के आटाकामा रेगिस्तान में खोजा गया था। इस कंकाल को एटा नाम दिया गया। इस कंकाल को ट्रेजल हंटर ऑन सर्कल ने खोजा था। इस कंकाल को देखकर लोग काफी हैरान हो गए थे क्योंकि इसकी बनावट बहुत ही अजीबोगरीब थी। कंकाल की बड़ी खोपड़ी और इसके शरीर को देखकर वैज्ञानिकों ने इसे एलियन से भी जोड़कर देखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां आम आदमी के ढांचे में 12 रिप्स पाए जाते हैं, वहीं इस कंकाल में 10 ही रिप्स पाए गए। इसी कारण वैज्ञानिकों को काफी असमंजस का सामना करना पड़ा। उन्हें यह तय करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा किसी इंसान का है या फिर किसी एलियन का। साल 2013 में UFO डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसमें इस कंकाल का एलियन होने का सिद्धांत पेश किया गया था। हालांकि खोजकर्ताओं ने इसके राज का खुलासा कर दिया है कि यह कंकाल किसी एलियन का नहीं, बल्कि इसकी ब्राउन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुए जांच के दौरान यह पाया गया कि बच्चे की मौत 40 साल पहले हुई थी, जिसका ब्राउन बाद में मिला था। इस ब्राउन ने कई सवाल भी खड़े कर दिए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े सर और 10 रिप्स की वजह से अनुवांशिक हो सकते हैं, जिसके कारण ब्राउन की हड्डियों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया। उनका यह भी कहना है कि हो सकता है बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ। हालांकि आज भी इसे किसी बच्चे का ब्राउन मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोग मानते हैं कि इस रहस्य की गुलथी अभी भी अनसुलझी है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। डांसिंग प्लेग। बेहद ही प्रसिद्ध कैनेडियन सिंगर और पोइट न्यू लाइन कॉयल का एक गीत है, डांस द मीट यू एंड फ्लॉग। इस गीत से कवि का आशय यह है कि वह चाहता है कि उसकी ब्लाउंड उसके साथ तब तक डांस करे जब तक कि प्यार नाम की सय खत्म ना हो जाए। ये तो हुई कोयल और उसके प्यार के जुनून की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब लोग डांस करते करते ही मर गए थे। हालांकि उनके मरने के पीछे की वजह कोई प्यार नहीं, बल्कि कोई महामारी थी या फिर कोई मति भ्रम थी या फिर कुछ और। इस बात की खोज अभी तक जारी है। जी हाँ, फ्रांस जो किसी जमाने में स्ट्रेस बार्ग के बारे में जाना जाता रहा है, वहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है और यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि करीब 500 साल पुरानी 1518 की बात है। हाल ही में एक कोरोना महामारी ने दुनिया में
आतंक मचाया था, जिसमें दुनिया के लाखों लोग मौत की नींद सो गए थे। और करीब 500 साल पहले भी एक ऐसी ही महामारी आई थी जिसकी वजह से तबाही मच गई थी। इस बीमारी में लोग डांस करते करते ही मर गए थे। दरअसल साल 1518 में लाइसेस्टर फॉक्स, जो कि आज फ्रांस में है, में एक महामारी आई थी। इसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। 500 साल पहले आई डांस की महामारी फ्रांस में कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस महामारी की वजह से करीब 400 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 1518 का साल था। फ्रांस में एक युवती अचानक डांस करने लगी और डांस करते करते वह अपना होश खो बैठी। एक दूसरी घटना में फ्रांस ट्रॉफी नाम की एक महिला अचानक नाचने लगी और नाचते नाचते घर के बाहर गली में आ गई। तब ना तो कोई संगीत, ना कोई धुन और ना ही कोई गाना बज रहा था, और फ्रांस ट्रॉफी को डांस करते लोग देख हैरान हो गए। के बाद वहां उसके परिजन पहुंचे। इस तरह उसे नाचते देख हर कोई हैरान था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए और यह क्या हो रहा है। फ्रांस ट्रॉफी को समझाने पहुंचे उसके परिजन भी कुछ देर में वहां डांस करने लगे, और फिर कुछ देर में वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि अचानक देखते ही देखते कई लोग डांस करने लगे थे और डांस करते करते ही मरने लगे। इस तरह से करीब 20 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद फ्रांस में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए। लोग डांस करते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। नहीं थमा डांस और मौत का सिलसिला जब तक इनके बारे में कुछ पता चलता। यह घटना सनसनी की तरह फैल गई। इलाकों में लोगों के डांस करने की खबरें आने लगीं। लोग डांस करते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। ना डांस करने का और ना मरने का सिलसिला रुक रहा था। एक को देखकर दूसरा भी डांस करने लगता और इस तरह मौत का सिलसिला बढ़ने लगा। इसके बाद पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज भी कई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि आखिर लोगों की डांस करने से मौत हुई थी या नहीं। उस समय घटी डांस की रहस्यमय घटना को वैज्ञानिकों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया था। हालांकि आज तक रहस्यमय डांस की घटना से रहस्य का पर्दा नहीं उठ पाया है। अभी भी उस घटना को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। मोटा को लेकर वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन इसके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। 1975 चीन भूकंप। साल 1975 में चीन के एक शहर हाइचिंग में अचानक कुछ कुत्ते तथा अन्य जानवर बड़ा ही अजीब व्यवहार करने लगे। जानवरों द्वारा किया गया यह व्यवहार बहुत ही विचित्र और समझ से परे था। जानवरों की हरकत लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। चीनी लोगों ने जानवरों की इस हरकत को एक रहस्यमय घटना का संकेत समझा और उसके बाद पूरा शहर खाली कर दिया। और उसके कुछ घंटे बाद ही 7.3 मैग्नीट्यूड का बहुत बड़ा शक्तिशाली भूकंप आया था। यह भूकंप इतना शक्तिशाली भूकंप था जिसके कारण लगभग पूरा शहर बर्बाद हो गया था। जानवरों की ऐसी विचित्र घटना आज तक पहली ही बनी हुई है। ज़ोंबी वायरस, मंडोरा वायरस या परगाई वायरस। हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा फ्रांस की एक झील में जमीन में जमे हुए करीब 48,500 साल पुराने एक ज़ोंबी वायरस को फिर से जीवित करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वायरस इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और तेजी से प्राचीन फ्रोस्ट पिघल रहा है, जिसके चलते करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा विषाणुओं के जीवित होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं ज़ोंबी वायरस के बारे में। आखिर क्या है ज़ोंबी वायरस?
रिपोर्ट बताते हैं कि यह सबसे खतरनाक वायरस है। पंडोरा एडोमाया वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस की उम्र 48,500 से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इसके पहले जो सामने वायरस आया था उसकी उम्र करीब 30,000 से भी ज्यादा बताई गई थी। साइंटिस्ट का कहना है कि इतने पुराने वायरस का जिंदा हो जाना यानी कि इंसानों और पशुओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, फैल सकता है संक्रमण। इस विषय पर रूस के साइबेरिया इलाके साइंटिस्ट को जो नमूने मिले उनके जरिए 13 वायरस रोगजनक की विशेषताएं सामने आई हैं। इन वायरस को जोम्बी वायरस नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि हजारों साल बर्फ में रहने के बावजूद भी यह वायरस संक्रामक है और अभी भी संक्रमित कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में पंडोरा वायरस एक ऐसा विचित्र वायरस है, पर ग्रही वायरस भी बताते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इस वायरस का 93% ही जैविक संरचना नहीं समझ पाए हैं। इस वायरस से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य और सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो यह है कि वायरस इतने सालों बाद ही खुद ब खुद कैसे जिंदा हो सकता है। बोनो का गांव, बोनो लोग सुनते ही छोटे कद वाले लोगों का दिमाग में चित्र बन जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि चीन में एक यंगसी नाम का गांव है। ये गांव अपने एक विचित्र कारण के लिए जाना जाता है। यंगसी गांव में रहने वाले लोगों की एक विशेषता है कि इस गांव में रहने वाले लगभग सभी लोग बोने हैं, इसीलिए इस गांव को लोग बोनों का गांव कहते हैं। परंतु इस गांव में इतने लोग बोने क्यों होते हैं, यह भी एक रहस्य बना हुआ है।